तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो कैसे हैं आप लोग? आपका भी फोन लैग करता है फ्री फायर गेम खेलते हुए? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको लैग प्रॉब्लम फिक्स कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड जो मैं ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ ये 2GB RAM, 3GB RAM, 4GB RAM इन सब पैसे से वर्क करेगी। अगर आपका फोन अभी बहुत ज्यादा लैग कर रहा है तो चांसेस अगर हाई है कि 90% उसका लैग खत्म ही हो जाएगा। इसी के साथ और ऐसी चार अनोखी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं गरीना फ्री फायर गेम के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाला आप सभी लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब जो फिफ्थ नंबर पे चीज आती है वो एक्चुअली फैक्ट नहीं है, वो एक हिडन प्लेस है। अगर आप भी सीएस रैंक बहुत ज्यादा खेलते हो और आपके गेम में कभी कलहारी मैप आ जाता है और कलहारी मैप में ये वाला प्लेस आ जाता है, तो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक हिडन प्लेस है। आई डोंट थिंक सो आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, शायद थोड़े बहुत लोगों को पता होगा। आपको पता है या फिर नहीं मुझे कमेंट में जरूर से बताना, #yes/#no करके। तो ये जगह पे थोड़ा सा आप सामने आओगे तो यहाँ पे देखो गड्ढा दिखाई देगा आपको। इस गड्ढे के अंदर जाना है, थोड़ा सामने चले जाना है, बूम बम, अब यहाँ पे छुप जाओगे। और गाइस ये अभी से नहीं है, ये जब से कलहारी मैप बना है ना तब से हिडन प्लेस है, गरीना फ्री फायर ने अभी सॉल्व नहीं किया है, शायद ये मैप का ही एक पार्ट हो। तो गाइस यहाँ पे आप छुप के अपने एनिमी को आसानी से मार सकते हो, और अगर आप राइफल कैरेक्टर का यूज करोगे जिससे आपके गन में ऑटोमेटिकली साइलेंसर आ जाएगा, फिर तो आपके एनिमी को पता ही नहीं चलेगा आप मार कहां से रहे हो। अब गाइस फोर्थ नंबर पे आता है, वो भी एक हिडन प्लेस ही है। आज के टाइम पे मैं नोटिस कर रहा हूँ काफी सारे लोग सेंटिनो का काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। चलो गाइस अब सेंटिनो की हिडन ट्रिक के बारे में बात करते हैं। भीमा शक्ति के आगे ये एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, इसे आप रिवर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली आना है और सेंटिनो को अपना यूज करना है और सेंटिनो के पीछे पीछे भागते रहना है। अब आप आराम से स्विम कर लोगे पानी में, फिर थोड़ी देर बाद जल्दी से सेंटिनो की एबिलिटी को यूज कर लेना है, एंड बूम बम आप आ जाओगे पानी के नीचे। अगर आप सीट का बटन दबाओगे तो आप अंदर छुप जाओगे, लेकिन अगर आप खड़े रहोगे तो आपका हेड ऊपर से नजर आएगा। तो गाइस यहाँ पे आप बैठ के लोगों को फायर भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक कुछ साइलेंसर होगा आपके पास, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप मार कहाँ से रहे हो भाई। ये BR रैंक में कैम करके मारने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट आप यहाँ पे अपनी पूरी स्क्वाड को भी बिठा सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना है कि आपको पानी में आने के बाद जंप का बटन नहीं दबाना है, अदरवाइज आपकी जो हिडन ट्रिक है वो वर्क नहीं करेगी। जैसे ही आप जंप का बटन दबाओगे वैसे आप फिर से स्विम करना शुरू कर दोगे, आप वहाँ पे बैठ नहीं पाओगे। फैक्ट नंबर 3, अब गाइस OB39 के एडवांस सर्वर में एक नया फीचर लाया गया था। हमारे गेम में 6 के 6 मैप आ जाएंगे, अल्पाइन, नेक्स्टेरा, बरमूडा 2.0, बरमूडा, परगेट्री और कलहारी। तो भाई बाकी जो 3 मैप वो तो आए नहीं, लेकिन बरमूडा, नेक्स्टेरा और कलहारी मैप हमारे BR रैंक गेम के अंदर है और क्लासिक गेम के भी अंदर है। तो देखो दोस्तों एडवांस सर्वर में सिस्टम आया था कि आप रैंक गेम आपको कौन से मैप में खेलना है ये आप खुद सेलेक्ट करके खेल सकते हो, लेकिन जब OB39 का अपडेट आया तो मेन सर्वर में ये चीज को ऐड नहीं किया गया। आपको रैंडमली ही मैप आएंगे BR रैंक के अंदर, आप खुद सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो भाई एडवांस सर्वर में क्यों दिखाया गया था हम लोगों को ये चीज, जब आपको गेम में देना ही नहीं है तो एडवांस सर्वर में क्यों दिखाया गया था? और यहां तक कि तो एडवांस सर्वर में सारे के सारे 6 मैप थे, तो चलो 6 मैप की बात नहीं करते हैं हम, बट ये जो फीचर है इसको क्यों ऐड नहीं किया गया भाई? OB39 के एडवांस सर्वर में इकलौता फीचर ऐड नहीं किया गया था, इसे काफी सारे पहले के एडवांस सर्वर में ऐड किया गया था लेकिन गेम के अंदर कभी लाया नहीं गया। तो भाई जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर की हम बात करेंगे, विदेशी का तो मेरे को पता नहीं बाहर के सर्वर में एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन इंडिया के अंदर गाइस क्या होता है ना, लोगों को ना पर्टिकुलर एक मैप खेलना काफी ज्यादा पसंद है। जैसे कि मेरा पर्सनल फेवरेट मैप था परगेट्री और बरमूडा, मुझे बाकी मैप पसंद नहीं थे और थोड़ा थोड़ा कलहारी भी पसंद था, तो मैं क्या करता बाकी पूरे मैप्स को डाउनलोड नहीं करता, मैं सिलेक्ट करके बस वही मैप को खेलता जो मेरे को अच्छा लगता है। इससे भाई बहुत सारी प्रॉब्लम होती, पहली बात तो जब फ्री फायर ना कोई नया मैप लाता तो नया मैप कोई खेलता ही नहीं, और उल्टा जो पुराने मैप्स है उनका तो भाई क्या ही बोले, अल्पाइन को ले लो, बरमूडा 2.0 को ले लो, इनका परफॉर्मेंस लेवल तो बहुत ज्यादा कम है, इनकी रेटिंग भी बहुत बेकार मिली है गरीना फ्री फायर को, मतलब भाई लोग खेलना पसंद ही नहीं करते इन मैप्स को। एक परगेट्री लोगों को पसंद आता था, फ्री फायर ने उसको भी रिमूव कर दिया। अब फ्री फायर को पता चल गया है ना लोगों की इमोशंस के साथ खेलना है। जैसे हम लोगों को पहले कलहारी मैप की वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब कलहारी मैप हमारे गेम से गया तब जाके हमें उसकी असल वैल्यू समझ में आई। सेम परगेट्री मैप नहीं है तो हमें वैल्यू समझ में आ रही है परगेट्री मैप कितना अच्छा मैप था। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इन फ्यूचर भी कभी हम लोग BR रैंक के अंदर रैंडम मैप सिलेक्ट करके नहीं खेल सकते। अब गाइस बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ, और ये कोई फैक्ट नहीं है बल्कि एक स्कैम है। गाइस क्लासिक मैप के अंदर हम लोग कोई भी रैंडम मैप को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी पिछले फैक्ट में मैंने बात किया, तो हम क्लासिक मैप के अंदर कोई भी मैप को सिलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्टेरा को सिलेक्ट कर सकते हैं, बरमूडा को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कलहारी को। लेकिन जब मैंने कलहारी से लेकर गेम खेलने की कोशिश की तो भाई मैच मेकिंग ही नहीं हुआ, वाह मतलब वाह,
भाई मैच मेकिंग हो ही नहीं रहा था यार। मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट बर्बाद किया यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरा मैच मेकिंग कलहारी में हो ही नहीं रहा था। और ये मतलब ये स्कैम मेरे को समझ में नहीं आया मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि बाकी जब मैंने कोई भी दूसरा मैप शुरू किया तो वो तो एक बार में शुरू हो गया, बस कलहारी मैप शुरू नहीं हो रहा था। गाइस #2 कमेंट करो और आप मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या होगा कि गरीना फ्री फायर कलहारी मैप स्टार्ट करने ही नहीं दे रहा किसी को। क्लासिक में हम कलहारी खेल ही नहीं पा रहे हैं यार, बहुत रेयरली स्टार्ट हो रहा है कलहारी मैप क्लासिक में। आपको क्या लगता है ये मुझे कौन है बताओ। अगर आप लोगों को आज के वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई लोग, और चैनल पे ना सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जो सेट कर लो, क्योंकि आप लोगों को फ्री फायर अपडेट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे मिलते रहेगी। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब गाइस बढ़ते हैं हमारे फाइनल फैक्ट की तरफ कि आप अपने 1GB 2GB 3GB 4GB रैम वाले फोन में कैसे लैग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। अब देखो यार, अगर अभी भी 1GB रैम में खेलते हो ना तो भाई आपको तो सैल्यूट है सबसे पहले, क्योंकि खुद फ्री फायर का साइज आज के टाइम पे 2GB हो गया है, लेकिन आप अभी 1GB रैम में खेल रहे हो तो भाई आपको मैं सैल्यूट देना चाहूंगा सबसे पहले। लेकिन अगर अभी भी 1GB रैम में खेल रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई मेरा गेम स्मूथ चलेगा, तो नहीं, आप इस ट्रिक को फॉलो करके अपना गेम को थोड़ा बहुत स्मूथ कर सकते हो, लेकिन पहले जैसा स्मूथ नहीं चलेगा, जैसे आज से 2 साल पहले स्मूथ चल रहा 1GB रैम में, वैसा तो नहीं चलेगा मेरे भाई। तो इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा 2GB 3GB और 4GB रैम के फोन वालों में। तो बढ़ते सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हो तो फ्री फायर मैक्स को डिलीट करो और गरीना फ्री फायर डाउनलोड करो। गरीना फ्री फायर आराम से डाउनलोड कर लोगे क्रोम से, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि फ्री फायर मैक्स थोड़ा ज्यादा ही लैग करता है कंपेयर टू फ्री फायर के, क्योंकि पहले के टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी एक चीज कॉमन है कि फ्री फायर गेम के अंदर ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन है कंपेयर टू फ्री फायर मैक्स, इसलिए फ्री फायर मैक्स के अंदर ज्यादा ग्लिचेस एंड बग्स भी है। ट्रिक नंबर 2, आपने कभी ना कभी ये सुना ही होगा कि भाई मोबाइल में ज्यादा स्पेस रखने से मोबाइल ज्यादा स्मूथ चलता है और कम लैग करता है। तो आखिर कितना स्पेस होना चाहिए आपके फोन में खाली? अगर गाइज आपका 64GB रोम का है, मतलब आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज 64GB है, तो मिनिमम आपके फोन में 15 से 10GB खाली होना ही चाहिए जिससे आपका फोन अच्छे से स्मूथ चले और आपका गेम भी अच्छे से चले। लेकिन अगर आपके फोन में 32GB रोम है तो भाई मिनिमम यार 10 से 8GB तो खाली रख ही लो, उससे नीचे रखोगे तो फिर आपके मोबाइल को प्रॉब्लम होगी गेम को चलाने में। और किसी का 128 है, 256 है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मोबाइल पे तो खाली होगी भाई काफी सारी जगह। अब गाइस बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। आपको सिंपली सेटिंग में जाना है और वहां पे रिफ्रेश रेट सर्च करना है, आपका रिफ्रेश रेट कितना है। मेरे में 60Hz है और 120Hz है, तो यहाँ पे सिंपली 120Hz को सिलेक्ट कर लेता हूँ। काफी सारे फोन में ऐसा होता है कि 144Hz भी होता है। आपके फोन में आपको सिंपली चेक करना है कि आपके कितने हर्ट्ज का है, तो जितने ज्यादा हर्ट्ज का होगा उतना आपको सिलेक्ट करना है। जितना ज्यादा हर्ट्ज का आप रखोगे उतना स्मूथ आपका फोन चलेगा। काफी सारे लोगों को लगता है कि भाई इससे क्या ही फायदा होता होगा, नहीं भाई बहुत डिफरेंस आता है, लिटरली बहुत ज्यादा। ट्रिक नंबर 4, आपको अपने फोन के सिस्टम को हमेशा अपडेटेड रखना है। आपको सिंपली सर्च करना है सेटिंग में जाके सिस्टम अपडेट, और यहाँ पे अगर आपको अपडेट नजर आ रहा होगा तो सिंपली आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि अगर आपके फोन का सिस्टम बहुत ज्यादा पुराना है, आपने लेटेस्ट उसको अपडेट नहीं किया है, तो आपके फोन में काफी सारे ग्लिचेस होंगे, काफी सारे बग्स होंगे, जो किसी अपडेट करने पे ही ठीक होंगे। और अगर ग्लिचेस बग्स है तो जाहिर सी बात है भाई आपके फोन को प्रॉब्लम होगी आपके फोन के सिस्टम को ही रन करने में, और सिस्टम को रन करने में प्रॉब्लम होगी तो जाहिर सी बात है भाई आपके फोन का ऑप्टिमाइजेशन कम होगा, और जिस वजह से आपका फोन तो लैग करेगा ही करेगा, फिर गेम भी लैग करना शुरू कर देगा। अब गाइस फाइनली बढ़ते हैं 5th नंबर की ट्रिक की तरह। अगर आपके फोन में गेमिंग मोड है तो उसको सिंपली ऑन कर लो, और काफी सारे लो एंड डिवाइस में गेमिंग मोड्स नहीं होते, तो जब आप गेम खेलोगे तब तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करके गेम खेलना है। इससे हो गया कि आपको कोई फोन नहीं कर पाएगा, कोई फोन करके तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा फोन, कोई मैसेज करेगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे आपके फोन लैग नहीं करेगा, क्योंकि गेम खेलते खेलते कोई थर्ड पार्टी एंटर करता है, जैसे नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का एंटर कर रहा है तो उसे थर्ड पार्टी कहेंगे। जितने बार भी आपके गेम के अंदर कोई थर्ड पार्टी आ जाएगा एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है आपका गेम लैग करेगा। ट्राई करना कि हमेशा डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करके ही गेम खेलो, और अगर आपके फोन में पिंग इश्यूज होता है तो आप हमारे चैनल पे जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो, 100% आपके मोबाइल का पिंग इशू ठीक हो जाएगा। एंड गाइस एक बहुत ही बेसिक चीज है जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की, ग्राफिक्स में ट्राई करो कि आप स्मूथ और स्टैंडर्ड में खेल सको, क्योंकि इसमें लैग बहुत ज्यादा ही कम होता है। स्मूथ में खेलोगे तो बहुत अच्छी बात है, लैग होगा ही नहीं। वेल गाइस आप लोग आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल सब सेट कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।